Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूँ नाजीन आपका होस्ट आफाक सिद्दीकी। आज मैं मौजूद हूँ दरिया जेलम के किनारे है के गाँव सेरी बाड़ी में। यहाँ पर कैमरे में आपने देख लिया होगा, इनका नाम है नसीर साहब खड़े हैं और आपने देख ही लिया होगा कि इन्होंने कितने बड़ी बड़ी बिंडियाँ लगाई हुई हैं और यहाँ पर कितना बड़ी होगी और ये बाग बन गया एक पूरा भी। और इनके साथ बिंडियाँ भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको बताएंगे, ये भिंडी बिल्कुल भिंडियाँ बिल्कुल ठीक है, अभी वह बड़ी हो गई है, फल बिल्कुल लगना शुरू हो गया है, इसके साथ भिंडियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी भिंडियाँ। और ये इनकी मेहनत से ये बड़ी हुई हैं और इन्होंने यहाँ पर फवारा सिस्टम भी लगाया है, देख सकते हैं इनको पानी देने के लिए इन पर बहुत मेहनत की हुई है। आइए इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नसीर साहब, ये जो आपने भिंडियाँ ये उगाई हैं, ये जो इन पर आज भिंडियाँ इन पर जो लगी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी भी हो गई हैं, ये आपने इसमें क्या क्या मेहनत की, आपने कितनी कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं नशबा टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बेहद मैं आपका फाक साहब बिलखसूस बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने यहाँ पे कबल 3 साल पहले ज़राइत महकमा ज़राइत की गवर्नमेंट की तरफ से उनकी हेल्प के साथ मैंने नीचे वाले खेत में मैंने भिंडी लगाई थी, वो मेरी माशाल्लाह तकरीबन 40-45 मन के करीब हुई थी एक साल में। और उसके बाद मैंने अभी ये सर्दियों के मौसम में मैंने नीचे वाले खेत में मैंने जो है वो थूम लगाया था, मेरा तकरीबन 4-5 मन के करीब जो है ना वो थूम भी हो गया था। उसमें कुछ प्याज का भी मैंने ट्राई किया था, उसमें तो हम थोड़ा नाकाम निकले, लेकिन थूम हमारा बहुत कामयाब और बहुत अच्छा थूम निकला था। इस दफ़ा मैंने फिर ये भिंडी लगाई है, इसके साथ यहाँ नीचे मैंने ये करेले की बेलें भी लगाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं वो दरख्त के नीचे, ये वो आगे तक, ये पीछे दीवार के साथ जहाँ, इस तरह हमने ये डुबरी की बेलें जो होते हैं वो भी लगाई हुई हैं, साथ में हमने आगे थोड़ा फ्रेश बिन के भी दरख्त लगाए हुए हैं। और ये भी महकमा ज़राअत की तरफ से जो है ना वो हमारी हेल्प करते हैं, सारी बीज वगैरह या दवाइयाँ वगैरह जिस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उन्हें कॉल करता हूँ, वो आ जाते हैं, वो मेरी हेल्प करते हैं। अभी ये मेरा जो है ना भिंडी ये तैयार हो चुकी है, अभी से मैं ये सेल में आ गई है मेरी। अभी मैं आपकी टीवी की वजह से रिक्वेस्ट करता हूँ आदमी को, क्या अगर जिसको चाहिए तो वो यहाँ तशरीफ़ ला या हमारे ऊपर कहीं बाज़ार में किसी बाज़ार में सेरी बांडी खबर में वो मुझे तलब करे तो हम वहाँ पर ये पहुँचा देते हैं। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं, ये है इनका फवारा सिस्टम जिससे ये इसको पानी देते थे। और आइए आगे चलते हैं, आपको बहुत कुछ भी बताने के लिए बाकी है, आ जाए। ये देखिए ये, और ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मैं आपको भिंडी अपने हाथ से तोड़ के बताता हूँ, ये भिंडी, ये देखिए तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत अनथक इन्होंने मेहनत की, कोशिश की और इस पर बहुत बहुत मेहनत की, इसकी वजह से आज नाजरी आप देख सकते हैं ये रोड इनके बिल्कुल खेत में आती है। जो लोग जाके पिंडी से मंडी से जाके सब्जियां लाते हैं और ये भिंडी वगैरह लाते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर आएं और यहाँ से भिंडी लें, यहाँ पर आपको मंडी से भी मुनासिब रेट में दी जाएगी। ये देख सकते हैं इन्होंने अभी तक बहुत कुछ लगाया हुआ है ये, और ये देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत करके इसको, कितनी कोशिशें करके इसको कितना बड़ा कर दिया फल, कितने अच्छे फल हैं भाई। ये देखिए ये भिंडी, ये मेरा हाथ उठाई है नाजरीन, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये हमारी भिंडी जो है ना इस वक्त तैयार है। ये भी आप देख सकते हैं, मैं डेली यहाँ से इसको उखाड़ता हूँ और डेली मैं ये सेरी बाज़ार बांडी बाज़ार खबर तक मैं ये सप्लाई करता रहता हूँ हमेशा की तरह। ये अभी नए हमारे 2-3 दिन से स्टार्ट हुई है, अभी इंशाल्लाह ये सेल होगी, दिन ब दिन इसकी सेल बढ़ेगी,
تو میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا. یہ میں نے ساتھ فریش بین بھی لگائی ہوئی ہے, وہ بھی تقریباً اس کے بھی پھلدانے کے قریب آئی ہوئی ہے. تو اسی طرح میں نے وہ ڈوبریاں لگائی ہوئی ہیں, اس کافی زیادہ تر میں نے لگائی اور کریلے کی بھی میں نے لگائے ہیں. وہ تو ابھی تھوڑے دن میں ٹائم لگے گا, ڈوبری کا بھی ٹائم لگے گا, وہ بھی پھل دے رہی ہے لیکن ابھی چھوٹے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ میرا تعاون کریں تو میں آپ کو مناسب ریٹ پہ اچھی سبزیاں یہاں اگا کر دے سکتا ہوں. میرے ساتھ زراعت کے آفیسر ہوتے ہیں اور ان کے جتنے بھی عالقین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں.